नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। एक और नए दिन और सफर में आपका स्वागत है। आए उठे हैं, ठंड हो रही है भाई। बाकी मेरे को अभी पैकिंग करनी है। बटर मैडम देखो वहाँ कैसे व्यू के मजे ले रही हैं, वो देखो सुबह ही सुबह। मैं यहाँ पे सामान पैक करूँगा अभी, और वहाँ देखो हमारी बटर मैडम जो हैं। हाँ भाई, व्यू के मजे लिए जा रहे हैं क्या? सुबह ही सुबह अच्छा व्यू देख रहे हो क्या? हाँ यार, देखो कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठो भाई बैठो। तू तो एक काम कर, कैंप पैक कर ले। हाँ यही काम रह गया मेरा, करते हैं भाई कैंप पैक। गुड मॉर्निंग, शोर मचा दिया था इन्होंने। खोलो खोलो खोलो, उड़ने दो, आजाद है हम। अंकल जी ने आके खोला। अब चुप हुए हैं भाई, और तब से खे खें खें, इतना शोर मचा है, इतना शोर मचाया है, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं। और वहाँ पे एक और है, वो अंडे दे रही है अंदर, तो उसको बाहर नहीं निकाला है। अंकल जी बोल रहे खुद ही आते हैं बाहर, कहीं भगते नहीं हैं, परेशान नहीं करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं और बटर निकल चुके हैं, अकेले थोड़ा लेट निकले हैं, करीब करीब 8:30 बजे, क्योंकि मौसम जो है बहुत बढ़िया हो गया यार। जो 8:30-9 बजे धूप होती थी, वो अब 9:30-10 बजे होती है, 1 घंटा लेट, तो हम लोग आराम से चल सकते हैं बढ़िया। तब तक जो है बटर मैडम आ रही हैं पीछे पीछे, चाहती हैं फ्रीली चलें। हाँ बटर चलो, तो फ्रीली चलने देते हैं बढ़िया। और क्या, यहाँ से सीधा 7-8 किलोमीटर में लिम्बड़ी करके एक जगह पड़ेगी, और मैं और बटर जो है आज ज़्यादा नहीं कम चल के रुक जाएंगे। आपको पता होगा, याद होगा कि मैं बोल रहा था कल यार चलने का मन नहीं है, तो भी बॉडी चला रहे हैं। और हम लोगों ने जो है ढूंढने की कोशिश करी थी रूम, पर कल जो है एक दो जगह तो मना कर दिया था, दो जगह मना कर दिया था बटर की वजह से, और एक जगह पे रूम बहुत ही महंगा था, मतलब 1500 रुपये का रूम बोल रहा हो। मैंने कहा भाई 1200 रुपये में तो 3 टाइम का खाना, 2 बंदों का, और रूम भी मिल जाएगा। तो हम लोग आके फिर पेट्रोल पंप पे बैठ गए और शाम को दोबारा चले। तो ऐसा है, पर लिम्बड़ी जो है एक शहर है, 2 टायर सिटी बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को सस्ते रूम मिल जाने चाहिए। कभी कभी हाईवे पे चलना बोरिंग हो जाता है यार, मतलब ट्रैफिक, सीधा चलता हाईवे, ये सब देख के आदमी बोर हो जाता है यार। मतलब चलते रहो, थोड़ा बहुत व्यू आए ना, जैसा महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर या एमपी बॉर्डर के पास था, साइड में जो है वेस्टर्न घाट्स वगैरह थे, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार। मतलब साइड में देखो तो लोगों के खेत भी इतने नहीं है, वायरिंग हो रखी है, टावर लग रखे हैं बड़े बड़े। हाय हाय, जल्दी से जल्दी पहुँचे यार लिम्बड़ी। लो गाइस, रूम्स का ऐलान तो यहीं से हो गया, फॉर्चून होटल 3 किलोमीटर दिखा रहा है, पर ये बजट में होगा हमारे और अलाउ करेगा या नहीं ये पक्का नहीं है, पर यहाँ फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। गाइस मैंने फ़ोन किया और वो नॉन एसी का 1200 बोल रहे थे, तो बोले अकेले आदमी तो 1000 रुपये दे देना। मैंने कहा नहीं, तो ज़्यादा ही हो गया, तो हम आगे चलेंगे और कोई होटल देखेंगे थोड़ा और बजट में हो, और नहीं होगा कोई भी तो फिर जैसे कल रुके थे ऐसे ही कहीं रुक के शाम को चलेंगे। ब्रेक वन गाइस, बटर मैडम अपना पानी पी रही हैं। क्या बटर? और मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। तो हमें एक अंकल जी का होटल मिल गया था। धूप अब पड़नी चालू हुई है यार, कल जितनी नहीं है, कल तो 10:30-11 तक भी नहीं लग रही थी। मेरे को लग रहा है हम शहर के पास आ गए ना, इसलिए थोड़ी धूप गर्मी ज़्यादा है। पर हम लोग लिम्बड़ी अब पहुँच चुके हैं, 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं। वो देखो वो सामने वो होटल है, फॉर्चून होटल, जहाँ पे कमरे का पूछा था फ़ोन करके, तो यहाँ पे तो पहुँच गए हैं, बस आगे जाना है 1.5 किलोमीटर। तो गाइज एक ब्रेक और लेके बटर मैडम और मैं निकल चुके हैं। फिलहाल बटर को थोड़ा परछाई से बचाया जा रहा है, और सीधा ही है, बस आ ही गए हैं लिम्बड़ी हम लोग। यहाँ से वो आपको रोड दिख रही है, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, एक दो होटल पड़ेंगे,
देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है, बजट में मिलता है बजट बताओ मुझे या नहीं। भाई मैंने तो सोचा लिम्बड़ी जो है छोटी जगह है, पर स्टारबक्स डोमिनोज सब है यहाँ मेरे ख्याल से, तो अच्छी खासी बड़ी सिटी है। अहमदाबाद जितनी तो नहीं, पर गोधरा हम लोगों को पीछे शहर पड़ा था कुछ वैसी है। तो इसमें बटर फाइनली जो है लिम्बड़ी पहुंच चुके हैं और हम लोगों को एक रूम भी मिल गया है, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया पहुंचे हुए। मैं और बटर आए थे और फिर मेरे को थोड़ी थकावट फील हो रही थी तो हम सो गए थे, और ऐसा कुछ रूम मिल गया है हम लोगों को जो करीब 500 रुपये का पड़ा है और काफ़ी बजट में है। और खाना भी खा लिया था हम लोगों ने, बटर मैडम ने जो है कर्ड राइस खाया था, मैंने अपने लिए और मैंने थाली खाई थी। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम लोगों का जो लंच है उसके पैसे जो है होटल वाले भैया ने लिए ही नहीं, उन्होंने बोला हमारी साइड से है तो ऐसा है। पर अब मैं सो के उठा हूँ एकदम बढ़िया, और नीचे जाते हैं थोड़े बाल लगवा लेते हैं क्योंकि जॉनी ब्रावो जैसे बाल होते हैं बड़े, थोड़े छोटे करने हैं। तो जस्ट नीचे ही दुकान है, चलते हैं और हमारी बटर मैडम को जो है थोड़ा घुमा देंगे। चुके हैं और खाने का समय हो गया है, बट और मैं अब खाना खाएंगे। कटिंग करा ली थी मैंने जिसमें जो है 150 रुपये लगे, कमरे के हमारे 500 रुपये लगे, और खाना जो है लंच तो फ्री था भैया की तरफ से था, डिनर में जो है 150 रुपये लगे। तो 150-150 300 500 जो है 800 रुपये हम लोगों का टोटल बजट आ रहा है। एक सेकेंड, 830 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ पहुँचने से पहले भी एक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लिया था, तो 830 रुपये बजट है। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर पर, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।